इसे कोहिनूर मांगना वापस, कोहिनूर वापस दे बोलना इसको। हेलो गाइस, अनदर गुड मॉर्निंग। एंड आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ लोनावला बिकॉज आज मेरे पास फ्री टाइम है एंड थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का भी मन था। तो मुंबई की यात्रा में बस लोनावला है, तो चलते लोनावला। कैब हमने बुक कर ली ऑलरेडी। सो गाइस, फिलहाल हम लोग हैं अपना क्या बोलते हैं लोनावला में। एंड जस्ट रूम में चेक इन किया, मैंने बहुत बड़ा रूम मिला भाई, पता नहीं कैसे क्या मिल गया। तो ये मैंने कुछ खाने का सामान लाया, ये मेरे बैग्स और ये सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को लगा, ये मस्त लोनावला के स्ट्रीट्स का टाइम लैप्स निकाल के डालूंगा मैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। एंड ही हूँ मैं भी मस्त एकदम ओके। हाँ, बहुत थक गया यार, लाइक सीरियसली खाली ट्रैवल ही हो रहा, मेरा काम हो गया था। और अभी मैं लोनावला में हूँ, आज का दिन रुकेंगे बस इधर और फिर कल वापस ही चले जाएंगे हमारे शहर बीड़। तो मस्त रूम है, बड़ा रूम है, बट एक चीज़ नहीं है जो मैंने मतलब स्पेशली डिमांड की थी, तो अगर वो मिलता है तो मैं बताऊंगा, नहीं मिलता है तो कोई मसला नहीं। टीवी भी अच्छी है, इसमें क्या है, केटल भी है, मस्त चाय बना के पीएंगे। तो ये है मेरे डे का पहला मील एंड ये खाने के बाद में मैं कुछ और नहीं खाने वाला बिकॉज भूख ही नहीं है। तो लोनावला में ना एक बहुत ज़्यादा यूनिक कैफ़े मुझे फ़िलहाल देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे ना बहुत ओल्ड टाइम के स्टिकर्स लगे हुए, टिकट जो होते हैं ना अपने मूवी थिएटर के, बहुत ज़्यादा पुराने हैं, एकदम विंटेज वाला फील यहाँ से आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड मैंने आज बहुत ही पैसे नहीं उठाए, पता नहीं। अच्छा, ये तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी है एंड आप पूरा रेस्टोरेंट चेक कर सकते हैं कि किस तरह से कूली की ड्रेसिंग है, ये चम्मक छल्लो वाली ड्रेसिंग, उसके बाद भी कोई और मूवी पीके वाली है पता नहीं। तो ये बहुत सारी ड्रेसिंग वगैरह एंड बहुत सारे कैफ़े के अंदर बहुत सारे स्टिकर्स लगे हैं, लगान वाली बैट एंड ये साइकिल, पता नहीं कौन सी मूवी का है। एंड उसके अलावा ये एक और पार्ट सुपर विलन्स वाला, तो मुझे बहुत खुश हुआ। लगान बहुत अच्छी तरह से इन्होंने कैफ़े को एक ना लुक दिया है, बहुत चीप में हुआ हो गई, टिकट को क्या ही खर्चा आ रहे हैं इनको, बट जो कंसेप्ट और आइडिया इन्होंने लेके आया ना बहुत ज़बरदस्त। वो जो बैट क्या बोलते हैं हॉकी स्टिक है, और ये भी बहुत सारे जो पोस्टर्स ही बोलते हैं कि आई डोंट नो एग्जैक्टली। ओके, और यहाँ पे कुछ लिखा है मोगाम्बो खुश हुआ। तो फिलहाल अभी आइसक्रीम या शेक वगैरह जो भी है इसको खाते हैं एंड मिलते हैं कुछ देर बाद। One hour later. सो गाइज, फिलहाल मैं हूँ सुनील स्वैक्स म्यूज़ियम लोनावला में लोकेटेड है, जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है एंड आपको अंदर से दिखाता हूँ सबसे पहले। तो एंटर होते ही सबसे पहले हमको देखने को मिलता है शिवाजी महाराज का स्टैचू, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का एंड फिर महात्मा गांधी जी, इन सब का स्टैचू। फिर हम मिले कुछ महाराष्ट्र के दिग्गज नेता लोग से, जैसे शरद पवार, गोपीनाथ मुंडे, फिर ये भगत सिंह जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मोदी जी। और ये स्टैचूज कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक लग रहे थे, मतलब जिसका डार्क टोन है ना, स्किन टोन जिनका डार्क है, वो वाले तो कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक लगते हैं, पता नहीं क्यों। एंड ऐसे लग रहा है कि भाई ये हमको घूरे जा रहे। तो यार यहाँ ना इतने सारे सेलिब्रिटीज़ के स्टैचूज किस किस को दिखाऊँ, तो मैंने सोचा कि जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वही आपको दिखाते हैं, जैसा हमारे ए बीडिया बैठ कर ग्रीप ओके। तो उसके बाद कुछ विराट कोहली क्रिकेटर्स एंड ऑल बहुत सी हैं भाई यहाँ, तो महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद हमारी लता दीदी, AR रहमान साहब और प्रभु देवा, हाय रिश्ते में तो हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते। अरे सोनाक्षी सिन्हा का मुंह सब पिचका हुआ क्यों था पता नहीं।
वो शायद अमिताभ बच्चन के पास उठाई थी इसके लिए, और माइकल जैक्सन, ये PSY, ये पता नहीं मेरे को, ये अच्छा ये दादा साहब फाल्के हैं, और चिट्टी द रोबोट एंड हमारे सल्लू भाई जैकलिन फर्नांडिस से भाई लेडीज़ का शक्ल इसको बनाने आया, नहीं पता नहीं क्या सीन है, बट लेडीज़ ज़्यादा अच्छे लग रहे नहीं। ये तूने भाई हट जा मदर टेरेसा और साई बाबा तो भाई क्या रिलैक्स हो रहे हैं। एंड ये आंटी के पास मेरा एक सामान है, किसको पता है तो भाई लेकर आ जाओ, मंगवा लो, कोहिनूर है इनके पास। और ये हमारा कौन सी मूवी है, अरे साइराट ए पर्ची आली पर्ची नहीं सॉरी अर्ची अर्ची आली अर्ची परसिया परसिया अर्शिया क्या है ये अरे भाई बहुत बहुत सी चीज़ें, ये मोहम्मद रफ़ी साहब जो लोग जानते हैं, और ये मजनू भाई के पिताजी जो घोड़े की पेंटिंग बना रहे, इनका नाम है MF हुसैन, बहुत बहुत फेमस है ये, मस्ती कर रहा हूँ मैं। और ये हमारे पॉपुलर कैरेक्टर्स छोटा भीम, डोरेमोन, शिनचैन, स्पाइडरमैन तू चुराया मेरा दिल का चैन, टडान टडान। अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ प्लानिटेरियम को एक्सप्लोर करने के लिए, लेट्स सी किस तरह से होता है यहाँ के सीन्स। तो भाई इतना बढ़िया प्लानिटेरियम है ये, और मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है पता है क्या, अगर मैं 5th class या 6th class में होता यार, भाई पैसा वेस्ट हो गया यहाँ पे, ये बड़ों के काम की चीज़ नहीं है। अगर किसी को एक्सपीरियंस कराना है तो यू कैन गो। तो अभी चलते हैं हॉरर हाउस, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई। देख तो यार हॉरर हाउस बहुत ज़्यादा डरावना था, एंड मैं भी सोचा कि थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ। तो ये खाने आए लोग स्प्रिंग रोल, पता नहीं क्या बोलते इसको, तो इतना इजीली इतना सही तरीके से कट हो रहा ना यार, ये क्या मैकेनिज्म बनाया भाई हम मैकेनिकल इंजीनियर से ने मतलब मैंने नहीं, जिसने भी बनाया बढ़िया बनाया। तो पहले पटेटे को इस तरह से कट किया जाएगा, एंड देन उसको निकाल के उस पर मसाला वगैरह जो भी है उन्होंने उनका लगाते हैं, एंड देन डीप फ्राई करके इसको मेयोनीज वगैरह के साथ सर्व किया जाता है। तो कुछ इस तरह से लगता है ये स्प्रिंग रोल। Dance, 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 dance